हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट का, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ सेल्स और प्रॉफिट दिया है 15 और 16 का, और आधा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है, देखो यहाँ तक दिया है, ओके। तो कैसे सम सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है, आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, राइट। तो ब्रेक इवन मार्जिनल कॉस्ट में सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, और फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो अपने को सेल्स दिया है 12 लाख 16 लाख, तो 2015-16 12 लाख 16 लाख लिख दिया, और प्रॉफिट भी दिया है 1 लाख 20 और 2 लाख, 1 लाख 20 और 2 लाख। तो सबसे पहले पीवी रेशियो निकालने का, हमेशा पूछा भी वही रहेगा, कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न कर रहे। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला दो है, एक ये भी है और एक ये भी है। तो ये वाला क्यों यूज़ किया, क्योंकि 2 साल दिया, जब 2 साल दिया रहेगा शुरुआत यहाँ से होगा। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स इन 200। तो चेंज इन प्रॉफिट क्या होगा, ये 2 लाख है, ये 1 लाख 20 है, तो 2 लाख में से 1 लाख 20 माइनस करेंगे, 2 लाख 20 में से 1 लाख 20 क्या करेंगे, माइनस, तो 80,000 आ जाएगा। चेंज इन सेल ये 12 लाख या 16 लाख है, तो 16 लाख में से 12 लाख क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 4 लाख आ जाएगा। इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब ये जब इसको कैलसी में सॉल्व करेंगे तो तुमको पी वी रेशियो मिल जाएगा 80,000 / 4 लाख, और 100 है ना, परसेंटेज दबा दिया तो 20% आया। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना हो गया, 20%, सिंपल। तो अभी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो तो निकाल दिया, अभी अपने को फिक्स कॉस्ट निकालने का है। तो फिक्स कॉस्ट तो यहाँ छुपा हुआ है ना, तो फिक्स कॉस्ट निकालने से पहले अपने को कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट का और एक फॉर्मूला वो याद करना पड़ेगा, पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट के पहले पीवी रेशियो निकालेंगे ताकि इससे कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो 2015 का कैसे सॉल्व करेंगे, तो पीवी रेशियो का और एक फॉर्मूला, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो पीवी रेशियो है अपने पास कितना परसेंट, 20, जिधर मैंने 20 डाल दिया। कंट्रीब्यूशन है क्या अपने पास, नहीं, तो इधर कंट्रीब्यूशन ऐसे रखा, 2015 का सॉल्व कर रहा था, 2015 का सेल्स कितना है 12 लाख, तो इधर लिख देंगे 12 लाख इंटू 100। तब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को कंट्रीब्यूशन मिलने वाला, क्या मिलने वाला अपने को, कंट्रीब्यूशन। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, 2020 कैंसिल हो जाएगा, ये इसके पास आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके पास आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 2 24, 1 2 3 4 4 0, तो 2 लाख 40 क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। तो कंट्रीब्यूशन की जगह पे 2 लाख 40 डाल दिया, कितना डाल दिया, 2 लाख 40। तो सेम जो हमने 2015 के लिए किया ना, 2016 के लिए सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। तो व्हाट इज पीवी रेशियो, 20%, तो इधर 20% आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन है क्या इधर 2016 का, नहीं, सेल्स है ना अपने पास कितना है 16 लाख, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2020 के आंसर 16 का डबल 32 हो जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 3 लाख 20 हज़ार, कितना आ जाएगा 3 लाख 20, तो इधर लिख देंगे कंट्रीब्यूशन 3 लाख 20 हज़ार। पर क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन नहीं पूछा था अपने को, क्या फाइंड करने पूछा था, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, इसको इसको माइनस कर देगी, 2 लाख 40 में से 1 लाख 20 गया तो 1 लाख 20 आएगा, सही, 3 20 में से 2 लाख गया तो भी 1 ही लाख 20 आएगा ना, 1 लाख 20। और फिक्स कॉस्ट क्या आया, देखो सेम आया, मतलब हमने राइट किया है, और फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोडक्शन। तो इन दोनों को माइनस किया तो फिक्स कॉस्ट आ गया, वैसे इन दोनों को माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये 9 लाख 60 हज़ार आ जाएगा, 16 में से 3 गया 13 तो 12 80, ये तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट तुम्हारा तैयार हुआ है, पर पूछा क्या था अपने को, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट लेके आ गया, अभी आपका फिक्स कॉस्ट आ गया ना, तो इधर पूछा ब्रेक इवन सेल, तो ब्रेक इवन सेल ढूंढने के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट, तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन सेल हम लोग रुपीज़ में निकाल रहे, राइट। तो ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। तो फिक्स कॉस्ट कितना है, 1 लाख 20 हज़ार, ओके, फिक्स कॉस्ट कितना है 1 लाख 20, इधर 1 लाख 20 डालेंगे। पीवी रेशियो कितना है 20%, इधर 20 आएगा, इधर क्या आ जाएगा 100, इधर 20 आएगा, इधर क्या आ जाएगा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को ब्रेक इवन सेल्स मिलेगा, क्या मिलेगा, ब्रेक इवन सेल। तो 1 लाख 20 इंटू 100 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 20, तो 6 लाख। तो ब्रेक इवन सेल क्या हो गया अपना, 6 लाख, इसको बोलेंगे टारगेटेड सेल, मतलब 6 लाख का माल बेचने का था, इससे कम बेचेगी तो कंपनी का लॉस होगा, ओके, इतना माल बेचने का था। अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का, MOS, और कौन सा साल का पूछा है, 2016 का पूछा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, तो बीच में माइनस है, मैं माइनस डाल दिया, ब्रेक इवन सेल है मेरे पास 6 लाख, ब्रेक इवन कितना है 6 लाख, और कौन सा सेफ्टी निकाल रहे 2016 का, तो 2016 में हमने कितना माल बेचा था, देखो 16 लाख ना, 2016 में कितना माल बेचा था 16 लाख,
और ब्रेक इवन का मतलब टारगेट होता है, अपने को 6 लाख माल बेचने का था और हमने बेचा कितना, 16 लाख, कितना बेचा 16 लाख, तो 10 लाख एक्स्ट्रा बेचा तो 10 लाख सेफ्टी हो गया, उसको बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या बोलेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्स्ट्रा हमने क्या किया, सेव किया। अगर मान लो 2015 का बोला रहता तो 12 लाख में से 6 लाख माइनस करते तो 6 लाख आता ना। तो ये तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन हो गया मालूम है क्या? ये आपका फोर्थ वाला, सॉरी थर्ड हो गया, और फिफ्थ भी करा दिया। अभी फोर्थ क्या बोला है, इधर बोला है कैलकुलेट, मतलब सेल्स ढूंढो, कैलकुलेट सेल, आपको सेल ढूंढना है और प्रॉफिट कितना, 4 लाख। मतलब व्हेन प्रॉफिट इज 4 लाख व्हाट विल बी अवर सेल्स, अगर मेरा प्रॉफिट 4 लाख रहेगा तो सेल्स कितना रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सेम ब्रेक इवन सेल के जैसे ही फॉर्मूला है। तो पहले इधर लिखेंगे सेल्स, क्या लिखेंगे इधर, सेल्स, तो सेल्स लिखो, फिक्स कॉस्ट लिखो, पीवी रेशियो डालो, इनटू 100 डालो, इतना तो सेम लिख देने का ये। और फॉर्मूले में क्या ऐड करेंगे, लाइन मार के प्लस डीपी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिजायर प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, डिजायर प्रॉफिट। तो अपने को क्या ढूंढने का, सेल्स ढूंढने का है, तो सेल की तलाश है। फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट कितना अपने पास, देखो ना 1,20,000 है, तो फिक्स कॉस्ट की जगह पे 1,20,000 आएगा। पीवी रेशियो तो 20% है, पीवी रेशियो कितना है 20 × 100, ऐसा बॉक्स बना देंगे। डीपी मतलब डिजायर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दिया, 4 लाख दिया ना अपने को, वो 4 लाख इधर डालने का, मतलब 4 लाख अगर मेरा प्रॉफिट है, मुझे 4 लाख प्रॉफिट चाहिए तो कितने का माल बेचूँ, तो इसको सॉल्व करके अपने को सेल्स मिलेगा। अपने को इन दोनों को ऐड किया तो 5,20,000 हो गया, 1,05,000। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, 1,05,000 तो 25 × 5, 26 लाख आ गया, कितना आ गया 26 लाख। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं मतलब 4 लाख का अगर मुझे प्रॉफिट का माने गया तो मुझे 26 लाख का सेल करना पड़ेगा, कितने लाख का सेल करना पड़ेगा, 26 लाख। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग होता है, कंपनी अपना बजट तैयार करती है, ब्रेक इवन करती है, टारगेट कॉस्ट करती है, इससे कंपनी को फ्यूचर प्रोडक्शन के हिसाब से मालूम पड़ता है कि कंपनी कहाँ जा रही है। कंपनी इस तरह अपने आपको कंट्रोल करता है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का सम होता है, ठीक है। तो ये बीकॉम वाले, एमकॉम वाले सबको बाई फॉलो का सम है। तो पहले बेसिक से सम तुमको स्टार्ट होना चाहिए, जब ये 2 साल वाला है, और जब डायरेक्ट वाला सम था वो भी मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी सब सॉल्व हो गया, यू कैन चेक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।